Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Dear student, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में और आज हम लोग देखने वाले हैं In the habit of, addicted to, fond of, like to का यूज. फ्रेंड्स, साथ ही हम लोग ये जानेंगे कि इन चारों में क्या डिफरेंस है और इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स. सबसे पहले हम लोग देखेंगे इन द हैबिट ऑफ. इन द हैबिट ऑफ का यूज जब किसी चीज की आदत पड़ जाती है, चाहे वो अच्छी चीज हो या फिर बुरी चीज हो, उसके लिए हम इन द हैबिट ऑफ का यूज करते हैं. जैसे उसे शिकायत करने की आदत है. इस प्रकार की सेंटेंस को हम बनाते हैं सब्जेक्ट. सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो एम, इज, आर का यूज करेंगे. इन द हैबिट ऑफ उसके बाद से वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करेंगे. इसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं. सब्जेक्ट हैज या हैव का यूज करेंगे. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज करते हैं. आई, वी, यू थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर के साथ हैव का यूज करते हैं. उसके बाद से द हैबिट ऑफ का यूज करते हैं. ध्यान रखें, यहाँ इन द हैबिट ऑफ का यूज नहीं करते हैं. उसके बाद से वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करते हैं. जैसे ही इज इन द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग. इसे दूसरे प्रकार से भी बनाया जा सकता है. जैसे ही इज द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग. कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं. उसे भीख मांगने की आदत है. He is in the habit of begging. या फिर he has the habit of begging. उसे सुबह में टहलने की आदत है. He is in the habit of walking in the morning. He has the habit of walking in the morning. जब has लगाएंगे तब हम इनका यूज नहीं करते हैं. उसे दूसरों को धोखा देने की आदत है. He is in the habit of cheating others. या फिर he has the habit of cheating others. तुम्हें झूठ बोलने की आदत है. You are in the habit of telling a lie. He has the habit of telling a lie. अब हम देखेंगे एडिक्टेड टू का यूज. एडिक्टेड टू का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज का लत लग जाती है या हम उस चीज का आदि हो जाते हैं. ज्यादातर हमें बुरे चीजों की लत या आदि हम हो जाते हैं. जब कोई चीज आवश्यकता से अधिक हम करने लगते हैं तो तब हम उस चीज का आदि हो जाते हैं. तो उसके लिए हम एडिक्टेड टू का यूज करते हैं. जैसे उसे शराब की लत है. तब हम इसे बनाएंगे सब्जेक्ट. सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो एम, इज, आर का यूज करेंगे. उसके बाद से एडिक्टेड टू, उसके बाद नाउन. जैसे ही इज एडिक्टेड टू वाइन. यहां पर वाइन नाउन है. कुछ और एग्जांपल देखते हैं. तुम सिगरेट का आदि हो. यू आर एडिक्टेड टू सिगरेट. उन लोगों को जुआ का लत है. दे आर एडिक्टेड टू गैम्बल. विश्व में अधिकतर लोग फेसबुक का आदि है. मोस्ट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर एडिक्टेड टू फेसबुक. अब हम देखेंगे कि अगर नाउन के साथ साथ अगर वर्ब भी आ जाए तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं. जैसे उसे शराब पीने की लत है. यहां पर नाउन के साथ साथ वर्ब भी आया है. यहां पर पीना आपका वर्ब है और शराब आपका नाउन है. तो इसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट. एम, इज, आर एडिक्टेड टू. वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करते हैं. उसके बाद से नाउन को रखते हैं.
जैसे मैं कंप्यूटर पर गेम खेलने का आदि हूं। आई एम एडिक्टेड टू प्लेइंग गेम ऑन द कंप्यूटर। उसे टीवी देखने की लत है। तब हम उसे बनाएंगे ही इज एडिक्टेड टू वॉचिंग टीवी। रवि को झूठ बोलने की लत है। रवि इज एडिक्टेड टू टेलिंग अ लाई। अब हम देखेंगे फॉन्ड ऑफ का यूज। फॉन्ड ऑफ का यूज शौक या शौकीन के लिए होता है। ना तो हमें उस चीज का आदत होती है और ना ही हमें उस चीज का आदि होते हैं। वो काम हम शौक से करते हैं, तब हम फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे। जैसे मैं संगीत का शौकीन हूं, आदि नहीं हूं और ना ही मेरा आदत है। तब हम इसे बनाएंगे सब्जेक्ट एम इज आर फॉन्ड ऑफ, उसके बाद से नाउन आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। वह इसका शौकीन है। आप किसी चीज को इंडिकेट करते हुए आप बोल सकते हैं ही इज फॉन्ड ऑफ इट। लड़कों को क्रिकेट का शौक है। बॉयज आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। बच्चे चॉकलेट का शौकीन होते हैं। चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट। अब हम देखेंगे कि अगर नाउन के साथ साथ अगर वर्ब भी आए तो हम कैसे बनाते हैं। जैसे वह अंग्रेजी बोलने का शौकीन है। इसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट। सेंटेंस प्रेजेंट में है तो एम इज आर का यूज करेंगे। फॉन्ड ऑफ वर्ब के चौथा फॉर्म, उसके बाद से नाउन। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं संगीत सुनने का शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक। कुछ लोग को खाने का शौक होता है। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग। अमीर लोग घूमने का शौकीन होते हैं। रिच पीपल आर फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग का यूज, इसका मतलब होता है पसंद करता है। जब हम कोई चीज पसंद के लिए करते हैं तब हम उसके लिए लाइक टू का यूज करते हैं। हम उस चीज का आदि नहीं होते हैं। जैसे अंकुर अंग्रेजी बोलना पसंद करता है, वो उसका आदि नहीं है। तब हम इसे बनाएंगे सब्जेक्ट लाइक्स या लाइक, उसके बाद से टू प्लस वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट का। इसे हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। सब्जेक्ट लाइक्स या लाइक, वर्ब के चौथे फॉर्म का यहाँ हम यूज करते हैं और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे अंकुर लाइक्स टू स्पीक इंग्लिश। अंकुर लाइक्स स्पीकिंग इंग्लिश। जब हम वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं वहां जहां हम टू का यूज करते हैं वहां हम वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं। अगर हम टू का यूज नहीं करेंगे तो डायरेक्ट हम वर्ब के चौथे फॉर्म से इसे हम बना सकते हैं। बच्चे कहानियां सुनना पसंद करते हैं। चिल्ड्रेन लाइक टू लिसन स्टोरी। सचिन क्रिकेट खेलना पसंद करता है। सचिन लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक कमेंट और इस हमारे चैनल को जरूर सब। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, आप ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू।